अनुपमा में मनाई जाएगी काली दिवाली। जी हाँ दोस्तों, शाह परिवार के लिए एक नई मुसीबत आने वाली है। दरअसल किंजल फिर से लौटकर आएगी अपने प्रोजेक्ट से और देखने को मिलेगा कि किंजल को जैसे ही अनुपमा के बारे में पता चलेगा वो भड़कते नजर आएगी काव्या पर बापर और दोनों की ही बैंड बजा देगी। लेकिन यहाँ पर बा उसकी सुनने नहीं वाली है और काव्या भी उसे तमीज में रहने के लिए कहेगी। उससे पहले ही काव्या यहाँ पर कह देती है कि वो अब घर उसका अनुपमा का है, ना ही किसी और का। वो अब काव्या का घर है क्योंकि अब काव्या सारे पेपर्स पर साइन करवा के ले आती है अनुपमा से। और उसके बाद में किंजल साफ मना कर देती है इस घर में रहने के लिए कि अगर इसमें मेरी मम्मी की ही कोई जगह नहीं है और उनका घर नहीं है तो मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। और वो अब पेंटा हाउस में शिफ्ट होने का फैसला कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, अब किंजल भी यहाँ से चली जाती है। तो वहीं पर यहाँ पर राखी की भी, दवे की भी एंट्री होती है जो कि बाघ की और काव्या की क्लास लगाते नजर आती है। भाई राखी यहाँ, अब राखी और किंजल दोनों ही यहाँ पर घर वालों की बैंड बजा देते हैं। तो वहीं पर देखने को मिलेगा कि बापूजी ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और यहाँ पर एक काली दिवाली की तरह ही त्योहार मनाया जाएगा। भाई अनुपमा पहले ही दिवाली से पहले छोड़कर जा चुकी है। तो अब भाई लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी जो बहू होती है किंजल, वो भी अब इस घर को छोड़कर जा रही है। इसी के चक्कर में अब साह परिवार वाले कोई दिवाली नहीं मनाने वाले और बापूजी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को अब अनुज नया घर दिलवाएगा, जिसे कि अब अनुपमा तो अपनी एक नई शुरुआत करती दिखेगी और दिवाली भी सेलिब्रेट करेगी, जहां पर अब अनुपमा के साथ ही पाकी, बापूजी और समर और किंजल, ये सभी लोग, नंदिनी, ये सभी लोग अनुपमा के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते नजर आएंगे। या दोस्तों, दिवाली इस बार अनुपमा के घर में सेलिब्रेट की जाएगी और बाबूजी यहाँ पर पहले ही वार्न कर चुके हैं वनराज को और काव्या को। और जब काव्या के घर नाम हो चुका है उसके बाद तो बाबूजी शॉक्ड रह जाते हैं और बाबी। तो भाई यहाँ पर काव्या ने जो सदमा दिया है घर वालों को, वो काफी ही बड़ी यहाँ पर सदमा लेकर आएगा दिवाली के दिन। यानी दिवाली पर काफी हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है सा परिवार के साथ में। तो भाई यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। तो दूसरी तरफ अनुपमा की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लौट कर आएगी और पिछली जिंदगी वो भुला देना चाहती है और उसके साथ ने कोई भी कुछ भी रिलेशन नहीं रखने देना चाहती। अब देखते हैं कि काव्या के इस धोखे के बाद ने बांगो कितना बड़ा सदमा लगता है।